लेक्चर नंबर वन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। बैंकिंग के एग्जाम में कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, हमें हमारे रोजमर्रा के काम में भी कंप्यूटर में कामकाज करना आना चाहिए। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही ना हो तो हम कंप्यूटर के ऊपर काम करेंगे कैसे? इस लेक्चर के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि असल में कंप्यूटर इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे रोजमर्रा के काम के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर वास्तव में है क्या। कंप्यूटर एक मशीन है। अब मशीन कोई भी मशीन हो सकती है। हमारे छत पर चल रहा पंखा भी एक मशीन है, स्कूटर भी एक मशीन है, कारखानों में लगी हुई मशीनें तो मशीन होती ही हैं। तो कंप्यूटर मशीन कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि मशीन की डेफिनेशन है क्या। मशीन एक ऐसी वस्तु है जिसका इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के काम को सरल बनाने के लिए करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स अलग अलग काम करने के लिए यूज की जा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मशीन का है कि हमें उसमें एक इनपुट देना होगा जिसके बल पर मशीन हमारे लिए एक काम करेगी जिसे हम लोग आउटपुट बोलेंगे, और यही सिद्धांत कंप्यूटर पर भी लागू है। कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा स्टोर करता है। डेटा के बारे में हम आगे बात करेंगे। इट प्रोसेसेस डेटा। डेटा मतलब कि कंप्यूटर हमारी आवश्यकता के अनुसार डेटा के ऊपर काम करता है, एंड इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनल आउटपुट है जो हमें कंप्यूटर से चाहिए। आप यहां देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप की फोटो लगाई है। कहीं ना कहीं आपने दोनों तरीके के कंप्यूटरों को अपने आसपास कभी ना कभी जरूर देखा होगा। लेकिन यदि मैं कहूं कि एक कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, और हम आजकल मोबाइल का जमाना है तो और मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, तो इसको कहने में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन पे जाना चाहिए कि कंप्यूटर में डेटा डाला जाता है, वो उसे प्रोसेस करके हमें हमारी इंफॉर्मेशन दे देता है। डेटा के ऊपर बात करें तो डेटा वास्तव में है क्या। कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई बात करें तो डेटा तीन तरीके का डेटा हो सकता है। एक तो हो गया टेक्स्ट। आप अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मैगजीन्स। आज के जमाने में ये सब टाइपिंग कंप्यूटर में की जाती है। टाइपराइटर का जमाना अब पुराना हो चुका है। किसी भी प्रकार के टाइपिंग को जब कंप्यूटर में किया जाता है तो उसे टेक्स्ट डेटा बोला जाता है। टेक्स्ट डेटा को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। हम हमारे कंप्यूटर में फोटोज को सेव कर सकते हैं। आपने अपने मोबाइल फोन से फोटो खींची होगी। जिनके पास डिजिटल कैमरा होते हैं वो उससे भी फोटो खींचते हैं। अब उन फोटोज को देखने के लिए हमें कंप्यूटर में डालना पड़ता है। किसी भी प्रकार का फोटो जो है, अगर वो कंप्यूटर में सेव किया जाए तो वो भी एक तरीके का डेटा माना जाता है। इसके अलावा जो गाने हम लोग कंप्यूटर में सेव करते हैं, जो वीडियोज हम देखते हैं, उन कंप्यूटर में अगर रखा जाए तो उसे भी डेटा की श्रेणी में माना जाता है। तो वास्तव में हमारे पास तीन प्रकार के डेटा हैं, टेक्स्ट, फोटो और ऑडियो वीडियो। यदि हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें तो हमें देखना होगा
कि कंप्यूटर वास्तव में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या हैं? कंप्यूटर की देखी जाने वाली या टच छू सकने वाली कोई भी वस्तु को हम लोग हार्डवेयर में गिन सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे सरल भाषा में मैकेनिकल पार्ट। और सॉफ्टवेयर एक प्रकार का आप बोलिए कि इंस्ट्रक्शन है या कोड है, जिसे हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ने जो डेटा कंप्यूटर में स्टोर किया है उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अगर मैं इसको एक कार के साथ रिलेट करके आपको एग्जांपल दूं, तो कार हमारी हार्डवेयर है, कार की पूरी बॉडी, कार का इंजन वगैरह, और जो डीजल या पेट्रोल हम कार में डालते हैं उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उस डीजल और पेट्रोल के द्वारा हम लोग कार के इंजन के ऊपर काम करते हैं, जिसके जरिए कार चलती है। इसी तरह कंप्यूटर में हार्डवेयर है, और कंप्यूटर में जो स्टोर डेटा है उसके ऊपर काम करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत है।